गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर आरबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम के अंतर्गत कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है मृदा जीवांश पदार्थ के पार्ट वन भाग एक के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर स्टूडेंट्स वीडियो पूरी देख तो लेते हैं लेकिन अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी प्रकार नई नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो चलते हैं पहले रिक्त स्थान प्रश्न की ओर। मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को डैश 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 कहते हैं। तो यहां जो रिक्त स्थान है इसी में हमें उचित वर्ड भरना है कि मृदा में पाए जाने वाले वनस्पतिक और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मृदा जीवांश पदार्थ, तो ये यहां रिक्त स्थान में यही वर्ड भरा जाएगा, मृदा में पाए जाने वाले वनस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या बोला जाता है, मृदा जीवांश पदार्थ। तो यहां रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, मृदा जीवांश पदार्थ। दूसरा रिक्त स्थान प्रश्न है खनिज मृदा में सामान्यतया डैश 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 से डैश 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 तक जीवांश पदार्थ पाया जाता है, यानी खनिज मृदा जो होती है उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कितने से लेकर कितने परसेंट तक मिलती है वो हमें बतानी है। तो उसकी मात्रा मिलती है 0.1 से 5% तक। तीसरा रिक्त स्थान प्रश्न, जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे रंग या काले रंग का बना कोलाइडल पदार्थ डैश 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 कहलाता है। वो कोलाइडल पदार्थ क्या होता है, तो रिक्त स्थान में हम यहां भरेंगे वो कोलाइडल पदार्थ होता है ह्यूमस। चौथा रिक्त स्थान प्रश्न देखिए, मृदा जीवांश के दो प्रमुख स्रोत डैश 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 तथा डैश 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 हैं, यानी मृदा जीवांश के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं। तो हम जानते हैं मृदा जीवांश जो है उसकी हमने यहां ऊपर जो परिभाषा देखी है वनस्पतिक व जंतुओं के, तो इसका मतलब वनस्पति और जंतु यानी पादप और जंतु ये दो मेन स्रोत होते हैं किसके, मृदा जीवांश पदार्थों के। तो हम यहां क्या भरेंगे, पादप और जंतु। पांचवा प्रश्न देखिए रिक्त स्थान, जीवांश पदार्थों में 90% से अधिक कार्बन ओमा डैश डे डैश एम डैश डे डैश होती है। तो 90% से अधिक जीवांश पदार्थों में क्या मिलता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहां कार्बन तो हमें दिया हुआ है, कार्बन के साथ पहले रिक्त स्थान में हम भरेंगे हाइड्रोजन और दूसरे रिक्त स्थान में भरेंगे ऑक्सीजन। तो यहां पांचवें रिक्त स्थान प्रश्न में जो दो रिक्त स्थान है उसमें पहले रिक्त स्थान में भरेंगे हम हाइड्रोजन और दूसरे रिक्त स्थान में भरेंगे हम ऑक्सीजन। तो जीवांश पदार्थों में 90% से अधिक कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। छठा रिक्त स्थान प्रश्न है, सनई ढैंचा मूंग व अन्य फसलें डैश 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 के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती हैं। तो हम जानते हैं सनई ढैंचा मूंग ये जो है हरी फसल के रूप में यानी सॉरी हरी खाद के रूप में जो जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है, तो यहां रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, हरी खाद। सातवां जो रिक्त स्थान प्रश्न है, मृदा जीवांश पदार्थ में दो प्रकार के यौगिक कार्बनिक व डैश 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 पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं मृदा जीवांश पदार्थ में दो प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनमें एक प्रकार कार्बनिक है जबकि दूसरा अकार्बनिक होता है। तो कार्बनिक के साथ यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा, अकार्बनिक। आठवां रिक्त स्थान प्रश्न देखिए, मृदा जीवांश पदार्थों में पाए जाने वाले कैल्शियम तांबा मैग्नीशियम सोडियम जस्ता आदि डैश 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 यौगिक हैं। तो ये कौन से प्रकार के यौगिक हैं, ये हैं अकार्बनिक यौगिक। नौवां जो प्रश्न है वो देखते हैं, कार्बनिक जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन युक्त यौगिक व डैश 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 दो प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक जो जीवांश पदार्थ होते हैं वो एक तो नाइट्रोजन युक्त होते हैं और एक नाइट्रोजन रहित होते हैं। तो यहां नाइट्रोजन युक्त तो हमें दिया हुआ है
वह रिक्त स्थान में क्या भरना है, नाइट्रोजन रहित यौगिक। तो इसका मतलब यहां इस सेंटेंस को अब पूरा भरकर पढ़ते हैं। देखिए, कार्बनिक जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन युक्त यौगिक वह डैश 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 में क्या भरेंगे, नाइट्रोजन रहित यौगिक। कुल मिला के ये दो प्रकार के होते हैं कार्बनिक यौगिक। दसवां और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा वसीय यौगिक व लिग्निन डैश 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 यौगिकों के उदाहरण है। तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने यौगिक, वसा वसीय यौगिक लिग्निन, तो नाम से स्पष्ट है ये कैसे यौगिकों के उदाहरण है, कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण है। और कार्बनिक में भी कौन से यौगिकों के उदाहरण है, नाइट्रोजन रहित, यानी इनमें नाइट्रोजन नहीं मिलता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह इसमें एब्सेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट वसा वसीय यौगिक व लिग्निन किस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण है, तो यहां किस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण है, ये नाइट्रोजन रहित कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 10 इंपोर्टेंट रिक्त स्थान वाले प्रश्न, कौन से चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के, मृदा जीवांश पदार्थ के, और उसमें भी आज हमने पार्ट 1 के माध्यम से इनको शामिल किया है। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से इस चैप्टर के और अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।